बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात वाम सैद या रसूल असलात वैलिकया सैद या अल्लाह तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम मैं हूँ राना आप देख रहे हैं रानाजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना वो नई खबर सुने जिसका आपको इंतज़ार है अगर मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर आप हर रोज़ नई खबर सुनना चाहते हैं वो खबर जो हकैक पर मबनी हो तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी वो खबरें जो शायद किसी और जगह ना मिले अब बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान के सियासत में हर रोज नए मोर की कप्तान का लॉन्ग मार्च गुजरावाला से चल पड़ा गुजरावाला में कप्तान के लॉन्ग मार्च का फकीद मसाल इस्तकबाल। इस तरह लगता है जैसे पूरा गुजरावाला कप्तान के इस्तकबाल के लिए बाहर आ गया है जीटी रोड गुजरावाला और देकर शहर जो हमेशा से मुस्लिम लीग नून के हुआ करते थे मगर कप्तान की हमत अमली कप्तान के बयानिए ने अब इन शहरों को इन रोड्स को तहरीके इंसाफ का बना दिया है अब आपको बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं कप्तान का लॉन्ग मार्च तो चल रहा है लेकिन कप्तान के लॉन्ग मार्च से पहले को ंज में पहुंचने से पहले क्या होने जा रहा है आपको बड़ी खबर दे रहा हूं पांच वफा की उजरा पांच वफा की उजरा ने हकूमत को वाजह तौर तो पर यह कह दिया है कि अब वो किसी सूरत में भी का हिस्सा नहीं बनेंगे वो किसी सूरत में भी ऐसे किसी का मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे आइंदा की सियासत खत्म हो जाए और बड़ी खबर यह है कि ये पांच तगड़े वजरा जिनमें से पांचों में से तीन का तल्लक मुस्लिम लीग नोन से है दो का तलक दीगर सियासी जमातों से है ये पांचों मुजरा इमरान खान के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जा रहे हैं इन पांच उजरा ने अपनी फैमिलीज़ को पहले ही बेरोने मुल्क भेज दिया है के अंदर इस कदर खौफ पैदा हो चुका है कि हुकूमत के अपने अरकान संभले ब्यूरो हुए के, के दौरान कप्तान के लॉन्ग मार्च से इस कदर खौफ जदा हो चुके हैं कि वो अब वाजे तौर पर यह कह रहे हैं कि पांच तारीख चार को कप्तान ने पहुंचना है पांच तारीख लगता है इकतदार की आखिरी तारीख होगी मेरे पास कुछ जरा से अहम तरीन खबर आई है कि पांच तारीख को कप्तान के इस्लामाबाद पहुंचने पर अहम तरीन इजलास हो रहा है और अगर कप्तान दो लाख से जाय अफरा को इस्लामाबाद के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया तो उसी रोज अहम तरीन इजलास में हुकूमत की रोखती और नए इलेक्शन के हवाले से फैसला हो जाएगा जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत के अहम तरीन जुम्मेदारान को यह पैगाम दे दिया गया है कि वो इन दिनों में मजाकत कर सकते हैं या इमरान खान को गिरा सकते हैं या इमरान खान की कुत को खत्म कर सकते हैं तो कर ले अगर इमरान खान पहुंच गया तो फिर किसी सूरत में भी इमरान खान को नहीं रोका जा सकेगा जराए का कहना है इस पैगाम के बाद बाऊजी से रता होता है और बाऊजी फौरी तौर पर अपनी तमाम पीडीएम की क्यादत से रबता करने के बाद कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ना आए और आपकी हुकूमत कैम रहे तो फिर आप लोग भी खोलकर इमरान खान की महार्फत करें और खुलकर तीसरी कुवत को यह पैगाम दे कि हम किसी सूरत में नए इलेक्शन अबोरी सेटअप नया फोरी अबोरी सेटअप नहीं चाहते अगर ऐसा होगा तो हम भी शदीत एहतजाज करेंगे यानी खबर यह है कि हकूमत ने भी धमकी देना शुरू कर दी है जिसके बाद हकूमत के अंदर कुछ लोगों ने बैठ के फैसला किया कि कप्तान के खिलाफ एक गनोना खेल खेला जाए और उस ग्रोना खेल को खेलने के लिए बकायदा पैंसठ से ज्याद तहरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की, तरी की लिस्टें बनाई गई हैं जिन्हें नैब और दीगर अदारों के जरिए फौरी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है जबकि कप्तान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले लॉन्ग मार्च के अंदर किस तरह गड़बड़ करनी है कप्तान के लॉन्ग मार्च पर किस जगह पथराव या कुछ और करवाना है यह भी गनौनी साजा तैयार की जा रही है ताकि कोई ऐसा इंतजार पैदा हो जाए के कप्तान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कोई खूनी खेल शुरू हो जाए और हकूमत को एक नया जवाब मिल जाए अहम तरीन जराये अहम तरीन जराये ने यह साफ किया है कि पांच तारीख को इस्लामाबाद में इजलास जो एक होगा और यह इजलास दो चीजों का जायजा लेगा अगर कप्तान की तादाद ज्यादा हुई खिलाड़ियों की तो हुकूमत को बाय टा, बाय टाटा यानी हुकूमत के रुख से और अगर तादाद कम हुई तो हुकूमत को मजीद वक्त इतला ये है कि कप्तान सारी हमत अमली के तहत काम कर रहा है और हुकूमत के रुखते और हुकूमत के रवानगे और हुकूमत के हाथ में के लिए कप्तान को इस कदर यकीन है कि कई हकूमती अहम तरीन अफरा कप्तान के साथ रबते की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इतला यह भी है कि एक अहम शख्सियत रेवा ने सदर में किया है और ये कहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए कि कुछ महीने हकूमत और कुछ महीने कप्तान छोड़े और दरमिया को वक्त रखकर इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए सराय कहते हैं कप्तान इस पर राजी नहीं आगे हर रोज एक नई डेवलपमेंट होगी कप्तान ने आज किसी को वाजे पैगाम दिया है कि अगले दो दिनों में मैं जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद कूमत के पास बारगेनिंग के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे वो क्या सरप्राइज होगा कल के वीलों का इंतज़ार कीजिए उसमें आपको अहम तरीन खबर देंगे इजाजत दीजिए खुदा हाफिज।